अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई धूप में मत निकलो, ये सारे नुस्खे अपनाओ, एज इफ डार्क कलर होना कोई गुनाह है। इससे एंड आपके कम चांसेस हो जाते हैं स्किन कैंसर के एंड सनबर्न के। आपके पास वाइड रेंज ऑफ कलर्स होती है टू चूज, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एज इंडियंस हमारी काफ़ी वेरीड स्किन टोन होती है, जैसे किसी की वीटेस्ट स्किन टोन है, किसी की थोड़ी डार्क स्किन टोन है एंड किसी की फेयर स्किन टोन है। अगर आपका कलर फेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई धूप में मत निकलो, ये सारे नुस्खे अपनाओ। इवन एड्स में भी दिखाया जाता है कि अगर आपका रंग फेयर है तो आप दुनिया जीत सकते हो, एज इफ डार्क कलर होना कोई गुनाह है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, डार्क स्किन होने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला है नेचुरल सन प्रोटेक्शन। डार्क स्किन टोन का मतलब है हायर लेवल ऑफ मेलानिन, जिससे आप बेटर प्रोटेक्टेड रहोगे यूवी रेस से एंड आपके कम चांसेस हो जाते हैं स्किन कैंसर के एंड सनबर्न के। दूसरा है एनहांस डेफिनेशन। डार्क स्किन में ऑफन एक डेप्थ और रिचनेस होती है, जिससे आपके फेशियल फीचर्स एक्सेंचुएट होते हैं, जैसे कि जॉ लाइन एंड चीक बोन्स। नेक्स्ट है यू एज ग्रेसफुली। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूवी रेज आपको कम अफेक्ट करती है, तो इससे आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स स्लोली आएंगे। लास्ट एडवांटेज इज वर्सेटाइल कलर पैलेट। आपके पास वाइड रेंज ऑफ कलर्स होती है टू चूज, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू चूज द राइट कलर जो आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करे। सो हार्श कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए एंड सम कलर्स माइट वॉश यू आउट। तो बिना किसी बकैती के आओ शुरू करें। स्टार्टिंग ऑफ विद ब्राइट कलर्स। सो ब्राइट होने के साथ साथ आपको उन कलर्स की तरफ जाना है जिनका ह्यू डार्क होता है, जैसे कि एमरल्ड ग्रीन, बर्गंडी, डीप रेड्स एंड रॉयल ब्लू। एंड अगर आप इन कलर्स को डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक एंड ब्राउन के साथ पेयर अप करते हो तो दे क्रिएट अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट। एंड ऑन द अदर हैंड, आपको एक्सेसिवली ब्राइट कलर्स जैसे कि नियॉन कलर्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो हार्श कंट्रास्ट क्रिएट करें। नेक्स्ट इज प्ले विद न्यूट्रल्स। न्यूट्रल कलर्स आपके वार्डरोब में होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कलर्स होते हैं, जैसे कि नेवी ब्लू, चॉकलेट ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, या आप किसी भी कलर के साथ पेयर करोगे तो ये टोटली बहुत ऑसम लगते हैं एंड यू कैन टोटली रॉक इट। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस अर्दी टोन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लुक बैलेंस होने चाहिए, अर्दी टोन्स ये हेल्प करते हैं आपके लुक को बैलेंस करने में। ये बेसिकली वो कलर्स है जो नेचर में आप देखते हो, जैसे कि डीप ब्राउन, टैन कलर, बर्नट ऑरेंज एंड मेनी। ये बेस्ट इस वजह से है क्योंकि ये डार्क स्किन टोन की वार्म्थ के साथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एड कंट्रास्ट टू योर आउटफिट। कंट्रास्ट से होगा का ये विजुअल इंटरेस्ट एंड डिमेंशन ऐड करते हैं आपके आउटफिट। एंड आप कंट्रास्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अपने आउटफिट में, यू सिंपली पेयर डार्क कलर विद अ लाइट कलर। फॉर एग्जाम्पल, आप डार्क बॉटम वेयर के साथ लाइटर अपर वेयर पहन सकते हो एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू योर अंडरटोन्स। सो हाउ टू फिगर आउट आपका अंडरटोन कौन सा है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको अपनी वेन्स चेक करनी है, अगर ब्लू वेन्स है तो कूल अंडरटोन है एंड अगर ग्रीन वेन्स है तो वार्म अंडरटोन। अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो गो फॉर गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड वार्म ब्राउन्स, क्योंकि वो ज्यादा एनहांस करेंगे। एंड अगर आपका कूल अंडरटोन है तो गो फॉर सिल्वर, ब्लूज एंड जूल टोन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट कलर कॉम्बोज दैट यू कैन गो फॉर। अब बात करते हैं अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू एब्सोल्युटली अवॉइड। पहला है डोंट वेयर पेल और वॉश्ड आउट कलर्स। पेल पेस्टल कलर्स आपके स्किन टोन को वॉश आउट कर सकते हैं, मेकिंग देम डल एंड लैकलस्टर। नंबर टू, डोंट ओवरडू विद ब्लैक। ब्लैक वैसे काफी वर्सेटाइल कलर है, बट डोंट ओवरडू विद ऑल ब्लैक, इंस्टेड ऐड सम पॉपिंग कलर और गो विद चारकोल ग्रे। तो ये है पूरी स्टाइलिंग गाइड फॉर डार्क कॉम्प्लेक्शन। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू चैनल।